तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक वाणी पर। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग मुझे मेरे पिछले चैनल कॉमिक बुक गाय से जानते हैं। कॉमिक बुक गाय मेरा मेन चैनल है जहां पर मैं ड्रैगन बॉल से रिलेटेड और काफ़ी सारे एनिमे से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूं। ये चैनल मैंने मेनली डीसी और मार्वल्स के फैंस के लिए शुरू किया है। मैं जानता हूं कि मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग हैं जो डीसी और मार्वल की वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं, और इसीलिए मैंने सेपरेट चैनल शुरू किया है। यहां पर मैं डीसी और मार्वल से रिलेटेड तो वीडियोज़ डालूंगा ही, पर मैं बहुत सारी मूवीज़ और काफ़ी सारी टीवी शो से रिलेटेड भी वीडियोज़ डालूंगा। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ही इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वो चीज़ शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो अब बात करते हैं मार्वल से आ रहे एक बहुत बड़ी न्यूज़ की। दोस्तों, आप कियानू रीव्स को तो जानते ही होंगे, ये हॉलीवुड के काफ़ी बड़े स्टार हैं और इनकी कुछ बहुत ही फेमस मूवीज़ में से आती है मैट्रिक्स और उसके बाद आती है जॉन विक, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। ये मूवी एंड गेम के करीब 3 हफ्ते बाद रिलीज़ हुई थी और इस मूवी का हाइप इतना ज़्यादा था कि इस मूवी ने एंड गेम की कमाई पर भी थोड़ा सा असर डाला था। तो आप समझ सकते हैं कि कियानू रीव्स कितने बड़े स्टार होंगे। कियानू रीव्स के एक बहुत ही पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें मार्वल का कोई कैरेक्टर प्ले करके काफ़ी खुशी होगी, और जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं तो उन्होंने बोला वुल्वरीन। पिछले एक साल में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का इतना ज़्यादा हाइप था कि बहुत सारे लोग कियानू रीव्स को मार्वल की मूवीज़ में देखने का इंतजार कर रहे थे, पर अब बहुत ही जल्द कियानू रीव्स का सपना पूरा होने वाला है। भले ही उन्हें वुल्वरीन प्ले करने का मौका ना मिले, मार्वल के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज से ये खबर आ रही है कि कियानू रीव्स को द इटर्नल्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। अभी कियानू रीव्स और मार्वल के बीच में कोई डील फाइनल नहीं हुई है, पर अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज उनके बीच में नेगोशिएशंस चल रही हैं, और अभी ये भी फाइनल नहीं हुआ है कि वो कौन सा रोल प्ले करने जा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कियानू रीव्स प्ले कर सकते हैं वो है सिल्वर सर्फर, पर इसके चांस बहुत ही कम हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी द इटर्नल्स के प्रोडक्शन में होने की खबरें काफ़ी समय से आ रही हैं, और काफ़ी समय पहले मार्वल स्टूडियो से खुद कन्फर्म कर चुका है कि द इटर्नल्स प्रोडक्शन में है। एक बहुत ही बड़ी स्टार जो मार्वल की द इटर्नल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही हैं वो है एंजेलिना जोली। पर एक चीज़ जो कियानू रीव्स के फैंस को शायद ना पसंद आए वो ये है कि शायद कियानू रीव्स द इटर्नल्स में एक विलन का रोल प्ले करने जा रहे हैं, और हो सकता है कि वो मार्वल के अगले सबसे बड़े विलन बन जाएं, जैसे कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 का सबसे बड़ा विलन था थैनोस। मार्वल का फेज़ 4 मार्वल के फेज़ 1, 2 और 3 से थोड़ा अलग होगा। केविन फाइगी, जो कि मार्वल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि द इटर्नल्स काफ़ी कुछ गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी जैसी होगी, जिसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को एक ही साथ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि मार्वल के फेज़ 1 की तरह जहां एवेंजर्स को अलग अलग मूवीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप लोग कह सकते हैं कि इटर्नल्स मार्वल के फेज़ 4 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने जा रही है। इटर्नल के कास्ट मेंबर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, और कियानू रीव्स अगर इस मूवी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इस मूवी के साथ एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार का नाम भी जुड़ जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप इटर्नल्स में किसी भी सुपर हीरो को नहीं जानते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि काफ़ी सारे लोग गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स को भी नहीं जानते थे, पर इन द एंड ये चीज़ अच्छी निकली और सभी लोगों ने इन सुपर हीरो कैरेक्टर्स को पसंद किया। केविन फाइगी के हिसाब से वो लोगों के सामने ऐसे कैरेक्टर्स को लेके आना चाहते हैं जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो और वो मूवीज़ में अच्छे लगें, ना कि वो कैरेक्टर्स जो कि ऑलरेडी फेमस हैं और मूवीज़ में अच्छे ना लगें। आप लोग इस चीज़ पर बिलीव करें या ना करें, पर एक इटर्नल को ऑलरेडी मूवी में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और वो था थैनोस। जी हाँ दोस्तों, थैनोस एक इटर्नल था। थैनोस अपनी प्रजाति में एक म्यूटेंट की तरह था। थैनोस के पेरेंट्स का नाम था अलार्स और सुसान, और ये दोनों ही इटर्नल्स थे, और सभी इटर्नल्स को बनाने वाले थे सेलेस्टियल्स, और सभी इटर्नल्स के पास बहुत ही खास ताकतें होती हैं, और इसी वजह से थैनोस इतना ज़्यादा ताकतवर था, और म्यूटेंट होने की वजह से वो इटर्नल्स में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था। फिलहाल कियानू रीव्स के साथ मार्वल स्टूडियोज़ की बातें चल रही हैं, और वो मूवी की कास्ट को एज ए हीरो ज्वाइन करेंगे या विलन ये भी कन्फर्म नहीं है। जैसे ही इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन आएगी आपको उसके बारे में मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप कियानू रीव्स को एज ए विलन देखना चाहते हैं या फिर एज ए हीरो? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।